हेलो दोस्तों, ये पाइथन का 27th लेक्चर है। जैसे कि दोस्तों मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में बताया था, और मैंने प्रोग्राम के द्वारा भी बताया था कि कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो है लूप्स विद व्हाट एल्स ब्लॉक। लूप के साथ हम कैसे एल्स ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए इसका डिफिनेशन दोस्तों। इनसाइड लूप एग्जीक्यूशन, इफ ब्रेक स्टेटमेंट नॉट एग्जीक्यूटेड देन ओनली एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब ये है दोस्तों, लूप के अंदर यदि ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा देन ओनली एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। तभी क्या करेंगे, तभी जो है एल्स पार्ट वो एग्जीक्यूट करेगा। ओके, यदि इफ ब्रेक स्टेटमेंट नॉट एग्जीक्यूटेड देन ओनली एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। यदि ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो एल्स पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि यदि ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा तभी एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, यदि ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और सेकेंड जो है लिखा हुआ है, एल्स मीन्स लूप विदाउट ब्रेक। एल्स मीन्स लूप विदाउट ब्रेक, इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये तभी एल्स ब्लॉक में जाएगा जब इसमें क्या हो, विदाउट ब्रेक मीन्स ब्रेक जो स्टेटमेंट हो वो यूज नहीं हुए हों। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम को उठा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ नोटपैड पे, तो नोटपैड का स्क्रीन मैं सबसे पहले शेयर कर लेता हूँ आपको। चलिए मैं सबसे पहले एक प्रोग्राम को उठा लेता हूँ और मैं थोड़ा आपको यहीं से समझा देता हूँ कैसे वर्क करता है। देखिए कॉपी मैंने कर लिया दोस्तों। अब मैं क्या करता हूँ, पाईचार्म एडिटर ओपन कर लेता हूँ और मैं इसको डिलीट करता हूँ। पहले प्रोग्राम को मैंने डिलीट कर दिया, अब मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब देखो दोस्तों क्या है, यहाँ पे कार्ट में मैंने एक लिस्ट बनाया, 10, 20, 30, 40, 50 एलिमेंट को मैंने क्या स्टोर कर दिया फॉर आइटम इन कार्ट। ओके, ये इंडेक्सिंग आइटम का 0 इंडेक्स पे क्या था, 10 था। कार्ट में से उठाया, कार्ट कब तक चलेगा दोस्तों, जब तक ये जो इंडेक्स एलिमेंट है जब तक रहेगा तब तक ही क्या चलेगा, फॉर लूप चलेगा। जैसे मान लो ये 50 है, इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है तो क्या है, ये लूप ही क्या हो जाएगा, जाएगा ही नहीं दोस्तों। ओके, तो फॉर आइटम इन कार्ट इफ आइटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500, तो 10 एलिमेंट को उठाएगा कार्ट से, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500, कंडीशन इज व्हाट, यदि ये ट्रू रहेगा तो ये प्रिंट में जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और ये एल्स जो पार्ट है दोस्तों ये कब एग्जीक्यूट करेगा, जब ये जो है स्टेटमेंट क्या होगा, ब्रेक स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो ब्रेक स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट नहीं करेगा तभी क्या करेगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो मान लो यहाँ पर आइटम मैंने क्या लिया, पहले 0 इंडेक्स पर 10 था, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500, कंडीशन इज व्हाट, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज व्हाट, फॉल्स। तो फॉल्स में कहाँ जाएगा दोस्तों, प्रिंट आइटम, आइटम क्या था दोस्तों यहाँ पर 10, प्रिंट का क्या कर दिया, 10 कर दिया। ओके, अब फिर गया क्या आइटम, फिर 20 को यहाँ पर करेगा, 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500, कंडीशन इज व्हाट, फॉल्स। फिर क्या करेगा, 20 को प्रिंट कर देगा, फिर कहाँ जाएगा, फिर जाएगा लूप में, फिर 30 को उठाएगा कार्ट से, 30 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500, कंडीशन इज व्हाट, फॉल्स। तो फिर क्या कर देगा दोस्तों, आइटम को प्रिंट कर देगा। और जैसे ही यहाँ पर दोस्तों यदि कंडीशन ट्रू होता है तो वहां पर क्या होगा, वी कैन नॉट प्रोसेस दिस ऑर्डर मैसेज प्रिंट कर, क्या होगा, प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। ओके, मीन्स टर्मिनेट हो जाएगा। तो देखो ये आइटम तो प्रिंट किया, लेकिन ये क्या है, तभी ये जो एल्स पार्ट है ये तभी वर्क करेगा जब क्या है, ये ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं हुआ हो। ओके, मीन्स ये जो है ब्रेक में ना जाए, यदि ये ब्रेक में जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, प्रोग्राम यहाँ पर से क्या टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 30 उठाया दोस्तों, 40 उठाया और 50 मैंने उठा लिया, तो 50 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500, कंडीशन इज व्हाट, फॉल्स। तो हमेशा क्या हो रहा है, जो भी कंडीशन यहाँ पर थे वो जो भी एलिमेंट थे वो कंडीशन में क्या हो गए, फॉल्स हो गए। अब देखो दोस्तों क्या हो रहा है, अब कार्ट में कोई एलिमेंट तो बचा नहीं दोस्तों, तो अब कार्ट में जब एलिमेंट नहीं बचेगा तो ये फोर लूप का क्या है, एल्स ब्लॉक है। यदि एक कंडीशन फॉल्स होगा तो कहाँ पर जाएगा दोस्तों, एल्स ब्लॉक में, और क्या प्रिंट कर देगा दोस्तों, प्रिंट यहाँ पे कर रहा है कॉन्ग्रेट्स ऑल आइटम प्रोसेस्ड व्हाट सक्सेसफुली। तो कब किया दोस्तों, जब आइटम जो थे वो कार्ट में यदि आइटम नहीं मिले, जैसे ये जो आइटम था धीरे धीरे क्या किया, उठाया उठाते गया, 10 को उठाया, 20 को उठाया, 30 को उठाया, 40 को उठाया, 50 को उठाया, अब जो कार्ट है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो कहाँ चला जाएगा, ये लोग क्या हो गया, अब फॉल्स हो गया। तो जब फॉल्स होगा तो कहाँ जाएगा, एल्स ब्लॉक में जाएगा, और प्रिंट क्या कर देगा, कॉन्ग्रेट्स ऑल आइटम प्रोसेस्ड सक्सेसफुली,
लेकिन यदि दोस्तों यहाँ पर यदि एक भी कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो जाता है, मीन्स कोई एलिमेंट यदि 500 से ज्यादा हो जाते हैं तो क्या हो जाता, वी कैनॉट प्रोसेस दिस ऑर्डर करके क्या कर देता, ये ब्रेक हो जाता। इस चीज को आपको ध्यान देना है दोस्तों कि यदि ये ब्रेक यदि यहाँ पर काम कर जाता, मीन्स ये जो है कंडीशन यदि ट्रू हो जाता तो क्या हो जाता, ब्रेक यदि होता मीन्स ब्रेक यदि एग्जीक्यूट कर जाता तो एल्स पार्ट में नहीं जाता। ओके, तो इसी में समझना है आपको लूप्स विद एल्स ब्लॉक, ये तभी जाएगा यदि आप ब्रेक स्टेटमेंट का कंडीशन में यदि कंडीशन यदि ट्रू हो रहा है और उसके अंदर यदि ब्रेक आप ले लिए हो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोग्राम सिर्फ क्या हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, मीन्स ब्रेक हो जा रहा है। तो कब काम करेगा, जब ब्रेक स्टेटमेंट में मीन्स ब्रेक स्टेटमेंट में मेरा कंडीशन जा ही नहीं, मीन्स ना यदि ट्रू होगा और ना इसमें जाएगा, इसमें ना जाएगा ना क्या होगा, ब्रेक होगा। अब देखो दोस्तों एक और मैं एग्जांपल को मैं उठा लेता हूँ, तो चलिए मैं नोटपैड को पहले ओपन कर लिया और मैं एक और एग्जांपल को मैं कॉपी कर लेता हूँ। चलिए मैंने कॉपी कर लिया और मैं अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एडिटर पे जाकर शेयर स्क्रीन करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ। चलो इसको मैं डिलीट कर दिया, चलो यहाँ पर डिलीट हो गया, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पेस्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब आइटम इन कार्ट, जो कार्ट में देखो यहाँ पर 600 एक है एलिमेंट है, तो 600 जो है वो क्या है 500 से बड़ा है दोस्तों। तो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होंगे तो क्या हो जाएगा, प्रिंट कर देगा वी कैन नॉट प्रोसेस दिस ऑर्डर, और क्या हो जाएगा, प्रोग्राम से ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद ये जाएगा ही नहीं एल्स ब्लॉक में। ये कब जाता है दोस्तों एल्स ब्लॉक में, जब ए जो ब्रेक स्टेटमेंट यदि नहीं रहता, मीन्स यदि ये कंडीशन यहाँ पर इफ जो कंडीशन है यदि फॉल्स होता तो कहाँ जाता, एल्स ब्लॉक में। यदि जैसे ही ट्रू ए हुआ तो क्या हुआ, ये ब्रेक हो जा रहा है, मीन्स प्रोग्राम से ही ब्रेक हो जा रहा है। ओके, फिर ये जाएगा ही नहीं लूप के अंदर, इस चीज को समझना है आपको कि ये यहाँ पर देखो जो 600 था, ये 600 ग्रेटर देन इक्वल टू 500 कंडीशन इज ट्रू, तो प्रिंट क्या करेगा, वी कैन नॉट प्रोसेस दिस ऑर्डर, और क्या हो गया, प्रोग्राम से ब्रेक कर गया। तो ब्रेक करने का मतलब क्या है, फिर ये जो ये सब चीज है ना उसको ये नेगलेक्ट कर दे, कुछ है ही नहीं, मीन्स ये सब जो लूप है ना वो खत्म हो गया यहाँ पर कहानी। और यदि यहाँ पर 600 नहीं रहता तो क्या करता, 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 500 तो क्या करता, आइटम को प्रिंट किया रहता। जैसे मान लो यहाँ पर 10 था, 10 एज ग्रेटर देन इक्वल टू 500 कंडीशन इज व्हाट फॉल्स, तो आइटम को प्रिंट करता, 10 को प्रिंट करता। फिर 20 को उठाता यहाँ पे लूप से, फिर 20 एज ग्रेटर देन इक्वल टू 500 कंडीशन इज व्हाट फॉल्स, तो आइटम को प्रिंट करता, 20 को प्रिंट कर देता। फिर आइटम्स उठाया 600 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500 व्हाट कंडीशन इज व्हाट ट्रू, जैसे ही हुआ तो क्या प्रिंट कर देगा, वी कैन नॉट प्रोसेस दिस ऑर्डर, और क्या कर गया, ब्रेक कर गया। अब ये जो है आगे वाला चीज वो होगा ही नहीं, एल्स पार्ट में कब आता, जब ये जो आइटम था वो कार्ट्स में क्या हो जाता, जब नहीं जैसे 10-20 यहाँ पर 600 नहीं रहता, मान लो 30-40-50 रहता, और जैसे ही ये कार्ट खत्म हो जाता, मिस लिस्ट खत्म होता, तो जैसे ही क्या होता है यहाँ पर एक कंडीशन फॉल्स होता है, एल्स ब्लॉक प्रिंट कर देता। मान लो यहाँ पर हटा दो आप 600 को, चलो मैं पहले इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो मैंने देखा ना यहाँ पे क्या आया 10-20, और जैसे ही एक कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या हो गया, वी कैन नॉट प्रोसेस दिस ऑर्डर, यहाँ पर मैं हटा देता हूँ 600 को। अब देखो क्या करेगा दोस्तों, 10-20-30-40-50 उसके बाद क्या लिख देगा, कॉन्ग्रेट्स ऑल आइटम्स प्रोसेस्ड सक्सेसफुली। देखो क्या गया दोस्तों, 10-20-30-40-50 कॉन्ग्रेट्स ऑल आइटम प्रोसेस्ड सक्सेसफुली। तो मैंने दोस्तों बताया आज की लेक्चर में लूप्स विद एल्स ब्लॉक कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड व्हाइल लूप इन पाइथन। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टॉप करता हूँ।